हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई डिस्कस कर लेते हैं आज की न्यूज़। आज है 9th ऑफ दिसंबर और हम डिस्कस करें द हिंदू। तो पहली न्यूज़ देखिए, पाकिस्तान ने फाइनली अलाउ कर दिया है कुलभूषण जाधव की माँ और उनकी वाइफ को वहाँ पे मिलने के लिए। ठीक है ना, बहुत दिनों से इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनकी वाइफ और उनकी माँ को वहाँ पे जेल में विजिट करने दिया जाए, तो इन्होंने फाइनली क्लियर कर दिया है और अलाउ कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने एक और रिक्वेस्ट की थी कि कुछ मेंबर्स जो होंगे ऑफिशियल एम्बेसी के मेंबर वहाँ की पाकिस्तान की, वो भी इनके साथ रहेंगे, तो उन्होंने उसको भी मान लिया है। ठीक है, तो कुछ एम्बेसी के ऑफिशियल मेंबर भी इनके साथ वहाँ पर जा सकेंगे। अगली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। देखिए, इंडिया को वासनार अरेंजमेंट में फाइनली जगह मिल गई है और इंडिया 42nd मेंबर हो गया है इस ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो एम है वो रेगुलेट करना है ट्रेड एंड यूज़ ऑफ डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो आर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट होते हैं उसमें ये मदद करेगा, राइट। और इससे क्या होगा, देखिए इसका जो फ़ायदा होगा उस वो बता रहे हैं, इंडिया विल गेट एसेस टू हाई टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प एड्रेस द डिमांड्स ऑफ इंडियन स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो इससे एक तरीके से स्पेस और डिफेंस में इंडिया को टेक्नोलॉजी आसानी से प्रोवाइड की जा सकेगी और ये एक तरीके से बेहतर साबित होगा इसके और एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है ना, इसकी या और कह लें इसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए। इसके अलावा ये और भी देखिए क्या करेगा, इट विल आल्सो बूस्ट न्यू दिल्ली चांस ऑफ ज्वाइनिंग एनएसजी ग्रुप। ठीक है ना, तो हमारी जो एक बहुत ही एस्पिरेशन है एनएसजी ग्रुप में शामिल होने की, तो उसमें भी ये मदद करेगा, राइट। तो ये कह रहे हैं कि 6 to 7 दिसंबर तक ये मीटिंग हो रही थी इसकी, वैसनार अरेंजमेंट की, और ये मीटिंग हो रही थी वियना में। वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में, राइट। तो फाइनली उसमें ये 42nd पार्टिसिपेटिंग स्टेट बन गया है इंडिया। और थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं, यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है 1996 में इसको फॉर्म किया गया था, इसको एलिट क्लब भी कहते हैं और ये कहते हैं कि ये इसका काम जो है ये सब्सक्राइबिंग टू आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल। ठीक है ना, तो आर्म के एक्सपोर्ट को ये एक कंट्रोल करता है, इस सिमिलर टू एनएसजी एंड द मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल डिजाइन, राइट। तो इसके तो ये एनएसजी के जैसे ही काम करता है, एक्सपोर्ट के जो आर्म्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी पे भी ये नज़र रखता है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, इसके 42 मेंबर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और चाइना इसका मेंबर नहीं है, चाइना परमानेंट जितने भी मेंबर हैं यूएनएससी के वो इसके सिग्नेटरी है, लेकिन चाइना इसका मेंबर नहीं है। और इसका एम जो है, इसका जो गोल है वो क्या है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका गोल है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाए और एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ जो आर्म्स होते हैं, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। ठीक है, एक और चीज़ लिखी हुई है, सिंस इट इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन एनपीटी जो होता है, ठीक है ना, तो इंडिया विल लुक टू दी WA मेंबरशिप टू बूस्ट इट्स क्रेडेंशियल टू इंटर एनएसजी। देखिए, इंडिया जो है वो जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो हुई थी उसका मेंबर नहीं है, जो कि ज़रूरी होती है एनएसजी के लिए। ठीक है, एनएसजी में आपको मेंबरशिप चाहिए तो इसमें एनपीटी का मेंबर होना ज़रूरी होता है। तो ये कह रहे कि इंडिया चूंकि मेंबर नहीं है, लेकिन वासेदार अरेंजमेंट में शामिल हो जाने के बाद इंडिया को एक तरीके से इसमें बूस्ट मिलेगा एनएसजी में शामिल होने के लिए, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने देखी, वासेदार अरेंजमेंट, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। ठीक है, और स्पेशली ये याद रखिएगा कि ये 42nd पार्टिसिपेटिंग मेंबर है इसका, और इसका काम क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेंटर ने क्या किया है, अभी हमने कल न्यूज़ डिस्कस की थी कि जो आधार लिंकिंग का जो इनका प्रोग्राम था, स्कीम सब्सिडीज वगैरह से रिलेटेड, उसकी डेट कल एक्सटेंड की थी। अब इन्होंने आज जो न्यूज़ आई है ये है, आधार को पैन से जो लिंकिंग की डेट थी उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। ये पहले थी 31 अगस्त, बाद में इसे बीच में बढ़ा के 31 दिसंबर किया गया था, और फाइनली अब इसे 31 मार्च यानी 31 मार्च कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए, फ़ोन की जो है जो डेडलाइन है, आधार की मोबाइल से जो लिंकिंग की लास्ट डेडलाइन थी वो फ़रवरी 6 ही रहेगी, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, राइट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, तो उसमें ये कहा गया था, एक हमारे वहाँ एक एडल्ट्री लॉ है, ठीक है, सेक्शन 497 जो है IPC का, उसमें ये मैंडेट है कि
देखिए जो ये केस जो है ये मैरिड लोगों से, दो मैरिड लोगों से, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मैरिड जो होते हैं उनमें ये कहा जाता है, पहले तो हस्बैंड जो होता है वो कहते हैं कि औरत को सबॉर्डिनेट बना के रखता है, राइट। सबॉर्डिनेट किस सेंस में ये कह रहे हैं, देखिए होता यूँ है कि अगर मैरिज के बाद, राइट, औरत उसकी वाइफ जो है वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाती है पति के परमिशन के साथ, ठीक है, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि शादी के बाद वो आपकी सबॉर्डिनेट हो गई, या आप उसको एक कमोडिटी के तौर पे यूज़ कर रहे हो, मतलब पति की अगर सहमति हो गई तो वो किसी के साथ रिलेशन बना सकती है। तो ये कह रहे हैं, इसी को इसमें इन्होंने याचिका इसीलिए दाखिल की गई है कि ये जो लॉ है ये एक तरीके से जो रॉ इक्वलिटी है, जो राइट टू इक्वलिटी है हमारा आर्टिकल 14 जो है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको ये वायलेट करता है, राइट। तो इसको इन्होंने कहा है कि इसको स्टेच्यूट बुक से इसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, इस लॉ को ख़त्म कर दिया जाए। एक और प्रोविज़न इसमें है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द अगर किसी दूसरी की औरत से रिलेशन बनाता है तो उसमें मैन को ही अपराधी माना जाता है और औरत को विक्टिम माना जाता है। तो इसमें ये भी एक प्रोविज़न कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके से जेंडर बायस्ड है, राइट। क्योंकि जब ये रिलेशन जो दोनों लोग शादीशुदा हैं और रिलेशन जब बना गया, तो एक आप औरत को विक्टिम क्यों मानना है और मर्द को ही आप हमेशा अपराधी क्यों। तो एक तरीके से ही कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके से जेंडर बायसनेस यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये 497 है, अंदर इसकी और डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, देखेंगे। लेकिन ये दो प्रोविज़न आप याद रखें, एक औरत को ये सबॉर्डिनेट या कम्युनिटी की तरह समझते हैं, और ये जो दो लोगों के जो रिलेशन बनते हैं जो शादीशुदा लोगों के, तो उसमें औरत को हमेशा विक्टिम माना जाता है और मर्द को क्या कहा जाता है, एडल्टरर माना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोविज़न को इन्होंने डिलीट करने का, ये कह रहे हैं कि बहुत पुराना प्रोविज़न है, ये विक्टोरियन प्रोविज़न है, तो इसको डिलीट करने की ज़रूरत है या इस पर रिव्यू की ज़रूरत है, ठीक है। ये देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की जो न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, जो बच्चे की मौत हो गई थी और वो जिंदा था बाद में, और दो और केसेस थे, तो उसमें फाइनली देखिए मैक्स हॉस्पिटल में की जो लाइसेंस था उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, राइट। एक देखिए ये न्यूज़ है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए VVIP जो कार्स होती है उस पर आप लोग को ये देखिए दिख रहा होगा, ये एम्बलेम लगा होता है, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM। तो ये कह रहे हैं कि इसको NGO है न्याय भूमि के नाम से, इससे ये याचिका की है और हाई कोर्ट से इन्होंने कहा है कि इसको डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरीके से ख़तरा साबित हो सकता है और टेररिस्ट वगैरह आसानी से इसको टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है VIP। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, अगली न्यूज़ हमारी है और अगर यहाँ पे कोई नहीं, हाँ ये एक न्यूज़ थी, देखिए UAID ने जो आधार कार्ड की जो बॉडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, जो जयललिता थी उसका थंबप्रिंट जो था उसको देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये शेयर नहीं कर सकते, राइट। तो देखिए इन्होंने यही कहा है कि थंबप्रिंट सेइंग दैट देयर इज़ अ स्टैचुटरी बार ऑन द शेयरिंग कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई दोज हु अप्लाई फॉर द आधार कार्ड, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इससे मैसेज जा रहा है कि मतलब आप कोई हमारे जो फिंगरप्रिंट सच्चा जो भी हमारी प्राइवेसी है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो किसी और को ये शेयर नहीं करेंगे। तो एक तरीके से लोग थोड़ा सा अच्छा मैसेज आएगा कि हमारी प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होगा। और ये जो कल केस हमने डिस्कस किया था, जो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग केस हुआ था जिसमें कल एक बंदे को मार दिया गया था, ठीक है, मार के फिर उसको जला दिया गया था, तो उसमें ये कह रहे हैं कि ये जिसको मारा गया था उसके जो साथ काम करने वाले ये लोग, कहा कि इसमें कोई लव जिहाद का कोई केस नहीं है, ठीक है, और जो विक्टिम है जिसको मारा गया है उसका कोई मैरिटल रिलेशन भी नहीं है, राइट। ममता ने देखिए वहाँ पे बंगाल में, ममता ने इनको उनके जो एक जॉब और 3 लाख रुपए देने का उनको अनाउंस किया है कंपनसेशन के नाम पे। और ये हदिया ने कल अपने शौहर से मुलाकात की, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ देखिए, ताजमहल को, चूंकि वहाँ पे ताजमहल का रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूपी से कि आप हमें पूरी
देखिए एक्चुअली ये काम चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आप टेम्पोरेरी काम कर रहे हैं जो कि ये बेहतर नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने देखिए बहुत अच्छा एक वर्ड यूज़ किया है, डोंट मेक एनी हेस्टी प्लान्स, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि इस पर एक पूरी तरीके से कम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कीजिए, और ताकि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसको सिक्योर किया जा सके, मतलब लंबे टाइम तक, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि आप ये बहुत जल्दबाजी करके इसको, अगर जल्दबाजी करेंगे तो एक तरीके से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, राइट। तो उसी पर कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको तैयार कीजिए, और उसमें कोई जल्दबाजी मत कीजिए, राइट। तो ये ताजमहल से रिलेटेड न्यूज़, और अगली न्यूज़ जो होगी हमारी एडिटोरियल वगैरह ये सब बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, राइट। और ये राजनीति से रिलेटेड न्यूज़ है, और वसुंधरा अरेंजमेंट हमने डिस्कस कर लिया, और ये देखिए राजनाथ सिंह ने कहा है कि नागा पैक्ट जो होगा वो कुछ और स्टेट जो हैं उसके सराउंडिंग स्टेट उनको ये उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। सराउंडिंग स्टेट कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, राइट। तो इन्होंने यही कहा है, और इन्होंने देखिए एक और बात कही है कि जो वायलेंस होता है नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, ठीक है ना। कह रहे कि 75 से 80% जो इंसर्जेंट वायलेंस होता है वो धीरे धीरे कम हुआ है, राइट। और ये देखिए जो न्यूज़ है 497 वाली, वही न्यूज़ है, थोड़ी सी और डिटेल में ये डिस्कस की गई है, ठीक है ना। तो थोड़ा एक और प्रोविज़न और देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए जो एक और प्रोविज़न है जिसमें ये दिक्कत है, उसमें ये है, वो प्रोविज़न ये है कि सिर्फ हस्बैंड ही, या फिर जिसके जिसके लिए हस्बैंड ने छोड़ा है वो ही मतलब इसमें कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें वुमेन को एक तरीके से राइट नहीं है कंप्लेंट करने का, तो ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न है। इसके अलावा फिर ये जो लिख रहे हैं कि वनली हस्बैंड कैन बी एग्रीव्ड पार्टी ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज लाइक एडल्ट्री एंड वनली ही कैन गो टू द कोर्ट। जैसा आपने डिस्कस किया कि एडल्ट्री में एडल्टर माना जाता है सिर्फ हस्बैंड को ही, ठीक है ना। तो वही एग्रीव पार्टी होता है और सिर्फ वही कोर्ट जा सकता है, तो ये भी एक तरीके से प्रोविज़न कुछ है। तो इसमें फाइनली इन्होंने देखिए यही कहा है कि टाइम जो अब वक्त चल रहा है, तो उसमें सोसाइटी रियलाइज़ करती है कि वुमेन जो है वो मेन के बराबर है। सो ये कह रहे हैं कि इन एवरी एस्पेक्ट, ये कह रहे हैं कि रियलाइज दैट वुमेन वॉज इक्वल टू हर हस्बैंड इन एवरी एस्पेक्ट। सो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोविज़न है वो एक तरीके से जो हमारा फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसको एक तरीके से वायलेट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा ये भी देखिए पूरी डिटेल उसी की पूरी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। और ये इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में, आज से शायद शुरू हो जाएंगे, हाँ आज से पहला फेज शुरू हो जाएगा। और ये देखिए ब्रेन और सॉरी ब्रिटेन और यूएन ने एक तरीके से जो, चूंकि ब्रेक्सिट डील इनकी हो चुकी है, तो ये कह रहे हैं कि अब नए सिरे से ये जो इनको ट्रेड डील करनी होगी वो अब करेंगे, राइट। तो यही लिखा हुआ है कि ब्रिटेन एंड द यूरोपियन यूनियन रीच्ड अ हिस्टोरिक डील और ब्रेक्सिट डाइवोर्स टर्म्स, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका अब ये ख़त्म हो गया है ब्रेक्सिट वाला, एक तरीके से डाइवोर्स हो गया है, तो अब ये क्या करेंगे, वो अलाउज देम टू ओपन अप द टॉक ऑन फ्यूचर रिलेशनशिप आफ्टर द स्प्लिट, राइट। तो इस रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने के बाद वो अब फिर अपना बाइलेटरल ट्रेड के बारे में ये कह रहे हैं कि अब ये बात करेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए हमने कल न्यूज़ डिस्कस की थी, न्यूज़ नहीं एडिटोरियल में डिस्कस किया था, चाइना ने मालदीव के साथ एक ट्रेड साइन किया है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, मालदीव साइन ट्रेड पैक्ट विथ चाइना, राइट। तो ये कह रहे हैं कि मैरिटाइम सिल्क जो रोड प्रोजेक्ट है चाइना का, उसी का ये एक पार्ट है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि चाइना डीम्स द मालदीव एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर टू बिल्डिंग 21st सेंचुरी मैरिटाइम सिल्क रोड, राइट। तो ये सारी, और ये देखिए कल ट्रंप के बयान से फिर वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया है, और वहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, और एक प्रेसिडियन वहाँ पे क्लैश हुआ और एक प्रेसिडियन किल्ड हो गया, राइट। तो ये हमारे ट्रंप है जो ये कुछ भी करते रहते हैं। तो ये देखिए पुतिन ने आर्कटिक में एक एलएनजी प्लांट का वहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। तो एलएनजी क्या होता है? एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो आर्कटिक में इन्होंने किया है, और इन्होंने कहा है कि इससे रशिया को एनर्जी और लेने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट विल एक्सपेंड रशियाज ग्लोबल एनर्जी रीच, राइट।
और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ देखिए, इन्होंने कहा है विवेक देबोराय जो है, जो हमारे नीति आयोग के चीफ है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो जो एग्जेम्पशन हम देते हैं उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब तक एग्जेम्पशन कम नहीं करेंगे तब तक ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो नहीं बढ़ेगा, और कह रहे कंप्लायंस जो कास्ट है वो भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें फाइनली इसको कम करना ही पड़ेगा अगर हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना चाहते हैं। और फार्मा सेक्टर बैट्स फॉर क्वालिटी मेडिसिन, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा ये सारी न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आज न्यूज़ हमारे लिए थी नहीं, राइट। तो देखते हैं और कुछ बचा है या नहीं। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।